और अंकित की भी डिप्स कंप्लीट हो ली हैं और इधर बादाम सिखाए जा रहे हैं भैया पीस ले। यहाँ केड़े पड़ के दिखा रहे हैं कि बादाम कैसे कैसे पीसे हैं। देख जा भैया आज रोज सुबह पी कर प्रोटीन टेम्सू रोज लिए प्रोटीन गिरो और पी लिए और तीन चार हफ्ते बाद हमें चुनौती दे दी मैक्स भाई हम आ रहे हैं पल्टी मारने। तो राम राम भाई सभी को, आप सबका स्वागत है मैं अक्तिस फिटनेस एंड ब्लॉग में। और भाई राजेश गाड़ी चला रहा है जैसे मैंने बताया, और भाई रात हो गई काफी और पहाड़ों पे भाग रहे हैं रात तो रात। और भाई अब देखेंगे कोई रेस्टोरेंट कोई होटल वगैरह मिल जाए ठीक है तो वहाँ पे चल के रुकेंगे और मिलते हैं आपको वहीं पे। तो भाई देखो ऐसा है रूम पकड़ लिया है राजेश हीरा विक्की वो लेट गया और भाई साहब मजेगा रूम बढ़िया है और व्यू भी बाहर का अच्छा है। रात को दिखेगा भाई व्यू तो भाई रात को दिखेगा मतलब बाहर नदी बह रही है बहुत ही बढ़िया। सुबह देखते हैं भाई ये तो लौटेंगे सफर काट के आए हैं अब आराम से लेटेंगे प्यार से कोई दिक्कत नहीं है। राजी खुशी आ चुके हैं भाई पहुंच चुके हैं और भैया चीता ही कहते हैं भाई एक तरफा गाड़ी भगाई यार अकेले ही पहुंच गए यहाँ तक और चीता ही कहते हैं भाई। तो भाई देखो ऐसा है सुबह का टाइम और जैसे मैंने रात कहा था ना कि भाई सुबह को व्यू दिखाऊंगा अरे मुझसे पहले अंकित ने मोर्चा मार दिया भाई। अंकित ओ अंकित कैसा है भाई मौसम तो देखो भाई नज़ारे देखो भाई ओ भाई साहब देख व्यू देख रहे हो भाई कितना तगड़ा है रे छोटे। तो भाई देखो ऐसा है इस होटल को कर देते हैं बाय बाय और विक्की को ले लेते साथ में विक्की रह गया तो हमारा क्या होगा। तो भाई होटल को बाय बाय कर देते हैं अब चलते हैं आगे जहाँ बर्फ पड़ी हुई है और सामान अपना पूरा पैक है चलो भाई। तो भाई देखो ऐसा है चाय पीने के लिए रुक चुके हैं कैसा है ऐसा है भाई अभी ऊपर जाना है अभी आए आधे रास्ते में। और भाई देखो और विक्की के हाल है भाई तगड़ा लग रहा है के मौसम के नजारा है और गाड़ी अपनी एक तरफा बाहर गिरी है दिन रात अरे पीछे हाँ बढ़िया बन रहा है। तो भाई ये देखो नजारे ये देखो भाई ऊपर जाना है अभी इधर ही रुक गए थोड़ी देर है उधर देखो भाई रोड कितने प्यारे लग रहे हैं देख नीचे देख हाँ देख क्या सीन है भाई देखिए है कहीं नहीं कैडे नजारे क्यों विक्की भाई हवा ठंडी है माइनस टेम्परेचर 5 है अरे मैक्स भाई नहाऊंगा ठंडे पानी मैं ठंडे पानी में नहाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाइयो भाई भाई मुश्किल है देखूंगा कोशिश करूंगा ना कोशिश नहीं आज तो मैं चलता नहाऊंगा भाई चल ठीक है भाई माइनस डिग्री में है भाई। तो भाई देखा ऐसा है वादियों में अपने गाँव वाले मिल गए अपने भाई मिल गए सारे भाई हाथ लग गए कैसे पहचान लियो इनके खड़े हो भैया मन की बहुत दूर से पहचान लिया मन की मैक्स पहलवान खड़े हैं अरे कोने में उंगे लग रहा है अरे भैया ऐसे जलवे हजार ही कहते हैं अब ऊपर बर्फ पे कुछ चल रहे हो शेर चीता ही कहते हैं चलो भाई खींच के ले गाड़ी है ऊपर को इस तरफ देखो यहाँ पे कुछ जगह सूना सूना लागे टनल आ गया अब यहाँ से जाएंगे निकल के और थोड़ा अपनी गाड़ी चेक करवा लें उसके बाद निकलते ऊपर को। भाई चेकिंग कर रहे थे जैसे ही अंकित ने मुंह उठाया पहचान लिया और फोटो खींचने शुरू हो गए ये बात अरे एक बात बताऊं भाई सिस्टम ही कहते हैं भाई देख रहे हो भाई हाँ आएंगे कोई देख भाई नजारे टनल के बाद के नजारे हैं भाई ये। तो भाई देखो ऐसा है मैं देखना चाहता था कि टनल के बाद कौन सी दुनिया है जिसकी तारीफ मैंने सुनी है पीछे पहाड़ दिख रहे कहते सूखे लेकिन भाई इधर देखो सूखे पहाड़ नहीं है भाई गीले भी हैं। तो भाई मैं इस नदी की बात कर रहा था ये वाली नदी है जिसमें हम नहाएंगे ना ये जो नदी है बर्फ में निकली हुई मजा आ जाएगा भाई आज अरे हो ये देखो अब हम जाएंगे ऊपर को और भाई जाएंगे आगे को रूट हो जाएंगे चेंज। हर भाई तेरी डाइट मिल गई तेरी डाइट चल भाई देखो विक्की ने दीवाने कर दिया रुकते यहाँ पे ये अपना होम स्टे और ये अपने भाई हैं ऊपर
और भाई देखो सारे सारे दीवाने हो गए। ओहो के नाम धर दिया इनका तूने। अरे मेरा नाम क्यों ले है, मैक्स है ये। कोई बात नहीं भाई, तू अच्छा काम कर रहा है, मैक्स नाम धर दे इनका, चलेगा भाई, चलेगा। हाँ चलेगा, चल भाई ऊपर को चले। देखो यहाँ का जो कल्चर है अपने भाई का, पहले यहाँ पूजा होगी, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा भाई। पहले पूजा वगैरह होगी। देखो बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल और यहाँ का होम स्टे भाई। तो भाई ये अपने नितिन भाई हैं। ये भाई चाय है, चाय। तो भाई पहले हमारे लिए चाय आई है, तो बिस्किट और चाय। और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अरे तो भाई हमारे नितिन भाई ने अंकित भाई को भी पहनाया है और सभी को पहना रहे हैं। तो भाई यहाँ की परंपरा बहुत ही अच्छी लगी हमको भाई, मजा आ गया। और यहीं की टोपी, जो यहाँ की टोपी है, यहाँ का कल्चर है, वो पहनाई गई है अंकित को। आगे आगे गुना आगे गुना कॉपीराइट लग जाएगा भाई। और भाई ये चाय वगैरह, भाई बिस्किट वगैरह रख दिए हैं भाई ने। भाई बहुत सेवा हो रही है भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मजा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ हम आए हैं कहीं, और बहुत मजा आ रहा है भाई, अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है भाई के साथ अब चाय वाय लेंगे। अंकित कैसा लगा सब कुछ भाई? पानी ले रहा है भाई, मजा। हाँ भाई मजा आ गया। छोटू ठीक है ना, सब बढ़िया भाई? पूजा हुई, मजा आया, यहाँ का कल्चर सब अच्छा लगा भाई, मजा आ गया। नितिन भाई वाकई में मजा आ गया भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। तो भाई देखो ऐसा, हमें तो हमारे एरिया की आदत है जैसे, और गला भी बैठ गया फिर से, गला बैठ गया। और नजारे नजारे देखने लायक है, देखो नजारे तो देखने लायक है ना विक्की। और भाई एक चीज दिखा दूं आप लोगों को, ये देखो भाई बर्फ जम गई पूरी टंकी, टंकी में जम गई बर्फ, ये जम गई पूरी। नहाने धोने का भी सिस्टम बस ऐसा ही है भाई, देखी जाए क्या होगा अब हमारा। अरे भाई पर ये देखो ना जन्नत यार, यहाँ मजा आएगा पूरा। लेटने बैठने का सिस्टम दिखाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यू है, वहाँ से भी दिख रहा है। तो हम तो छत पे आ गए ना अब। अंकित नज़ारे देख है, देख कैसे लग रहे हैं बताइए, है ना? पर हमें अभी यहाँ की आदत ना है ना। ये सेब के पेड़ ना यार, कहाँ है और काय के पेड़ है? सेब के ना है, ये वाले पेड़ सेब के ना है। सेब के आड़े 30 किलोमीटर आगे भाई लग रहे हैं वहाँ सेब ना, लग रहे सितंबर में, अब नहीं लग रहे सितंबर में, वो मौसम चला गया ना। चलो कोई नहीं भाई, पर देख रहे हो भाई जन्नत ही देखो, कतई जन्नत है। तो भाई वो जो झरने हैं ना, वो सब जम गए ऊपर से, देख रहे हो ये झरना था और जम गया पूरा यार। और हमारे ये नितिन भाई और विक्की भाई और अंकित भाई, और नीचे देखो भाई अपनी गाड़ी वो खड़ी, ये रही भाई। पर हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही है भाई, इधर नदी भी बह रही है। हाँ नदी तो बह रही है, वो बह रही भाई नीचे, अभी ये वाली नदी बह रही है। वैसे झरने तो जम गए हैं सारे झरने, मजा आ रहा है पूरा भाई। उतर के आए, सब कुछ जमा हुआ है ऊपर तो भाई, पर नीचे आके गरम गरम पराठों का जो मजा ले रहा है ना विक्की, देखा जाए भाई। ना यार भाई कौन, मैं डाइट पे हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे डाइट पे लगा दे, भूखा मार दे यहाँ, है ना भाई। डाइट वाइट पे कुछ भी नहीं हूँ मैं थोड़ा बहुत तो खाऊंगा भाई, यहाँ भूखा मर जाऊंगा नहीं। पराठे गरम होकर आ चुके हैं, और देखो नितिन भाई क्या लाए हैं, देखो गाय का मक्खन देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ की जो गाय है उनका मक्खन है, कितना प्यारा है भाई, बिल्कुल सब देसी है, सब देसी, मजा आ गया। तो भाई देखो ऊपर से उतर का है, ठंड वक्त है, मेरे रूम से नजारा देखो आप, रूम से देखो नजारा क्या है देखो। अरे भाई साहब राजेश के कर रहा भाई, मजा आ रहा ना पूरा, नजारे तो ये है भाई, ये खड़ी अपनी गाड़ी और ये देखो भाई नजारे। यो नुगा 50 का सेट मार के दऊं उठा बैठी गरीब दे, गरम बिना गरम के भाई, यो शर्त हो गई है मैक्स पहलवान की, चल भाई 50 का सेट है, चल एक सो गए मार दे 49 एक और रहेगी, हाँ एक 10 और मार दे, 10 और 10 और 10 और 10 और
वार्म अप करके मार दिया दोबारा सो का। तो बढ़िया धूप निकल गई है भैया, बाबा की दया है। और भाई कल हो गई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, तो आज दिन निकल गया और बढ़िया धूप निकली है। और अंकित ने कर लिया सारा सामान पैक। भाई सब कतई रेडी, ये बहुत प्यार माने भाई अंकित से। कल से ही जो ना गेल गेल है अंकित के साथ है ये। चल बिस्कुट खिला दे इन्हें। लड़ जा रहे हैं कल सुई। चल भाई अपने रनिंग शूज किधर है? ठंड देख लो कितनी तकड़ी है। और रात अंकित बता दियो हमारा पानी इसमें रखा था और देखो पानी के साथ क्या हुआ है, बर्फ जमगी भाई पूरे पानी में, पूरे पानी में जमगी बर्फ। पीने लायक भी ना रही हुई। तो होटल पे रुक गए हैं, थोड़ा खाना वाना खा ले। और ये देखो भाई, ओ हो राजेश नजारे देख रहा हो भाई, देखी जाओ तेरी, ओ तेरी करवा दो राजेश तुझे भी एक पैराग्लाइडिंग, क्या दिक्कत है? करवाऊं राजेश कर दे सीधी नीचे ना सीधी करेगा। तो भाई देखो ऐसे रुक के थोड़ा खाना खा लिया सबने, विक्की विक्की को कुछ नहीं मिला। क्या खाया तूने बता? आइसक्रीम। कई सारी खाई है, एक का थोड़ी खाई है। ठंड भी ना देख तो देख ले, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं इस आदमी को, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दिल के करीब है। विक्की कह दे चल भाई दाब दो, चंडीगढ़ गाड़ी है, चंडीगढ़ चल लो ना पहले चलो। तो भाई देखो ऐसा है अपने इलाके में आ गए, इलाके में क्या आ गए अपने घर ही आ गए। और भाई वहाँ पे मारी थी 50 उठ बैठ, मतलब ठंडे शरीर से बिल्कुल जान को बात आ गई, सांस ऐसे मानो जैसे 15 मिनट की 20 मिनट की एकदम कुश्ती लड़ ली हो। बताओ भाई और सुन बुढ़ापो ही कह दे हम पे भी। पर ऐसा देखो अपने इलाके में अब मेहनत करके देखेंगे कि कितना फर्क उधर पड़ा है और कितना अब। भाई ये बताओ वहाँ सांस आ रहा है जीनो चढ़ने पे भी दिक्कत हो रही? पर याने जो है 20 किलोमीटर की दौड़ मारी, दौड़ मारी भाई रात का था 9 बज रहे और टेम्परेचर 30 माइनस था शायद 28 माइनस 28 कुछ था। और भाई साहब 20 किलोमीटर का अपना टास्क पूरा किया है भाई, मोटिवेशन ऐसा नहीं है मोटिवेशनल होना है ना तो भाई से हो, मैं खुद होके आ रहा हूँ इंस्पायर होकर आया हूँ पूरा के हाँ साथ में सेट मार मैंने वर्कआउट के प्रति इतना कट्टर इंसान बहुत ज्यादा भाई बहुत ज्यादा करूँ कैसा शायद ही कोई इतना कट्टर हो गया बहुत ज्यादा कट्टर है मैंने करूँ बेशक पेट खराब हो रहा सब कुछ खूब दिक्कत आई ही हमारे भी गले जाम हो गए इसके भी जाम हो गए पर इसने कह दी मैं जिस काम को आया हूँ उस काम में करके जाऊंगा। तो 20 किलोमीटर पूरी रनिंग अपनी करके रात में कंप्लीट जब आया भाई। पर एक चीज रहेगी बीच में वो छोटू हमारे को मुंह चल गया वरना आज भाई पानी आज भाई की वीडियो आती पानी में कूद रहे होते एक माइनस 25 में टेम्परेचर में भाई कौन नहाता हो नदी में नहाता हो बर्फ जो पानी में और भाई कुछ कुंडी में घेर के कूद जाना हो बर्फ वे देखते रह जाते हाँ। तो भाई 5 किलोमीटर की अपनी रनिंग हो गई कंप्लीट, वहां से आके जैसे मैंने बोला सांस आ रहा है पूरा, कितना मजा आ रहा है यहाँ पहाड़ों में। बताइयो देखो भाई मैं था और इसकी भी हालत और मेरी हालत सेम थी, एक बार बताइयो रे छोटू कान बंद हो गए गले चौक हो गए और अब भी बोलने में देख बोलियो एक बार ये क्या हाल है भाई हो कही मतलब गले देख मतलब गला देख लो यार दोनों का गला वहाँ इतना डैमेज हो गया मतलब नवेडा में ठंड ठंड नहीं लग रही है और वहाँ वहाँ अरे भाई दिमाग खराब हो गया, सर में दर्द नहीं गया 12 घंटा सर में दर्द नहीं गया उल्टे भाग गया मगर कैसी की तैसी में गए अरे बहुत बेकार है वहाँ। पर मेहनत भाई ने तो अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, हमने भाई अभी वो वाली बात नहीं है तो वो बात आ जाएगी। जभी तो चीता ही कह दे अरे भाई ठीक भाई सब मौज भाई सब मौज अंकित भैया आप यहीं और हैं यार इन गोद ले लिया हमरा गोद ले लिया मैं गोद ले लिया अब कहीं ना जाए वो हाँ एडॉप्ट कर लिया हमने बहुत बढ़िया काम कर राजेश ने और मैक्स ने मिलके हाँ दोनों ने मिलके करो एक पे नाथ मिले बहुत प्यारा पड़ जाओगे अकेले पता अपने प्रधान जी भी आ चुके हैं पानी कहते हैं प्रधान जी कहते हैं ये खड़े और आज थोड़ी तबीयत खराब है नहीं यही कह देते सीता ही कह दे अभी कह रहा बैठ लो मृदुल भाई माहौल कैसा लग रहा बहुत बढ़िया मजा अखाड़ा माहौल है बढ़िया चीज बढ़िया चीज और मुझे ये लोग बताइए हमारे गांव से इतने दौरे रह रहे हो तो भाई अपनी पलटी हो गई कंप्लीट और अंकित की भी डिप्स कंप्लीट हो ली है और इधर बादाम सिखाए जा रहे हैं भैया पीस ले यहाँ केड़े पड़ के दिखा रहे हैं कि बादाम कैसे कैसे पीसे हैं
देख जा भाई आज रोज लिए प्रोटीन गेरो और पी लिए और तीन चार हफ्ते बाद हमें चुनौती दे दी मैक्स भाई हम आ रहे हैं पलटी मारने दो महीने बाद हमसे कह दी जोर भी है हम पछतांगे ना डाइट गलत बताई दिखे हाँ भाई बिल्कुल आओ फ्री होकर आई हो अपने प्रधान जी पीली वाली मिर्ची दे दो फिर लड़वाना अरे पीली वाली मिर्ची तकड़ी चीज है छोटू यो लास्ट हो रहेगी भाई इसे मान लू भाई को आज दिखा रहे हैं बादाम पीस के भी दिखाई अब खाने के दिखा रहे हैं कैसे कैसे देसी सौदा कैसे हो रहा है मजा आ रहा है ना देखने में तो बस अब आज पियाने हैं बादाम देख लियो भाई प्रैक्टिस हो गया कंप्लीट और भाई यार निकलने अपने घर को अब आज देख रहे हो अरे थोड़ी रेस दिए भैया रेस दे दे ए ओ तेरी आवाज कह दे चलो ठीक है भाई मिलेंगे ओके 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 कभी जरा प्रयोग आइयो वर्कआउट कर अखाड़े में आऊंगा ना सवेरे अखाड़े में वर्कआउट करवाऊंगा दिन बढ़िया करके ठीक है वो 25 किलो फावले उठवाऊंगा चलो ठीक तो भाई देखो ऐसा है मिलने वाले अपने सब निकल गए दिन में ही शाम का टाइम है थोड़ा रेस्ट किया उसके बाद मेहनत कर गई और छोटू कैड़ा पड़ के लग रहा है ठीक है भाई हम भी थोड़ी और मेहनत कर लें और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।